हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं रेसिपी लेकर आई हूँ, वो हम सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। तो मेरी आज की रेसिपी है फ्रेंच फ्राइज। लोगों को इसे बनाना बहुत मुश्किल लगता है और आप लोग मोस्टली मैकडी प्रेफर करते हैं, जहाँ पे कितनी बुरी तरह से बनाया जाता है। आज मैं इसे घर पे बनाना सिखाती हूँ, ध्यान से देखिएगा वीडियो एंड तक। यहाँ पे हम बड़े बड़े आलू लेंगे और इसको चारों तरफ से जो एक्सेस जो पोर्शन है उसको हम काट देंगे, बिल्कुल कुछ इस तरह से। और अब हम इसको अच्छी खासी थिकनेस से अलग अलग करेंगे, काटेंगे। देख सकते हैं मैंने इतनी थिकनेस ली है, देखिए ऐसी थिकनेस होनी चाहिए चारों तरफ से। अब फ्रेंच फ्राइज के लिए बड़े आलू का ही इस्तेमाल करें। फ्रेंच फ्राइज के लिए नॉन स्टार्ची जो पोटैटोज होते हैं उनका इस्तेमाल होता है, बट मेरे पास नॉन स्टार्ची नहीं है और मैं इसे नॉन स्टार्ची बनाने वाली हूँ। तो देखिए इस तरह से परफेक्ट शेप दे दी, ज्यादा पतला ना करें, नहीं तो ये बहुत ही सिकुड़ जाएगा जब आप इसे फ्राई करेंगे। और मोटा रहेगा तो आप समझ ही सकते हैं कि अच्छा नहीं बनेगा। देखिए परफेक्ट शेप है, इसे हमने बाकी सारे आलू काट लिए हैं। अब हम इसके अंदर का स्टार्च निकालेंगे। अब वो स्टार्च कैसे निकालेंगे ये देख लीजिए, इसको हम पानी से वॉश करेंगे। आप ही यही सोच रहे होंगे कि स्टार्च एक्चुअली है क्या। तो ये जो आप व्हाइट व्हाइट पोर्शन देख रहे हैं पानी के अंदर, जो पानी का रंग व्हाइट कलर का हो गया है, सिर्फ आलू के स्टार्च की वजह से हो गया है। तो अब हम उसको एक बार धो के पानी फेंक देंगे और फिर इसको हम दोबारा धोएंगे। देखिए अभी भी जो पानी का रंग है थोड़ा व्हाइट हो चुका है, फिर हम इसको धो देंगे। और अब हम यहाँ पे चिल्ड वाटर लिया है मैंने, यहाँ पे ठंडा पानी, और इसको इसी में डाल के छोड़ देंगे हम आधे घंटे के लिए। और आधे घंटे बाद हम सारा पानी निकाल देंगे। तो अब हम इसे गर्म पानी में 1 मिनट के लिए उबाल लेंगे, ताकि इसका जितना भी एक्सेस स्टार्च अंदर जो रह गया है वो निकल जाए। तो यहाँ पे जैसे ही पानी गर्म हो गया मैंने इसको डाल दिया है, और 1 मिनट बाद हम देखेंगे कि पानी भी थोड़ा व्हाइट कलर का हो चुका है, आप देख सकते हैं। तो वो कुछ नहीं है, वो स्टार्च है, और वो सारा का सारा स्टार्च हमने निकाल दिया है। अब हम इसको इमिडिएटली इस गर्म बर्तन से निकाल के हम चिल्ड वाटर में डाल देंगे और इसको हम छोड़ देंगे 15 मिनट के लिए ऐसे ही। अब 15 मिनट बाद हम इसका जितना भी पानी है वो निकाल देंगे और इसको अब हम एक कपड़े पर डाल देंगे और इसका जितना भी मॉइस्चर है वो पोंछ लेंगे। इसको अच्छी तरह से सुखा दें, नहीं तो आप इसको फैन के नीचे भी रख सकते हैं, तो ये सूख जाएगा अच्छे से पानी जितना भी है इसका। फिर हम यहाँ पे अब एक पैन गरम करेंगे और उसमें हम तेल लेंगे, एकदम हल्का गरम होगा तभी हम इसमें ये फ्राइज डाल देंगे। तेल बहुत ज्यादा गरम नहीं होना चाहिए, ज्यादा गरम भी नहीं होना चाहिए, बहुत ही कम गरम हो तभी हम डाल देंगे सब इसमें। और इस स्टेज में आप बहुत सारा जो आलू है इसी तरह से कर करके 2 से 3 मिनट तक करना है, जब तक कि आलू के ऊपर एक हल्की सी लेयर ना आ जाए। और जैसे ही आपको लेयर दिखने लग जाए ये सारे के सारे जो पोटैटोज हैं वो निकाल लेंगे। देखिए एक हल्की सी लेयर आ गई है और मैं इसको निकाल रही हूँ। इसको मैं एक स्ट्रेनर में निकालूंगी, ताकि जो मैं इसका जो एक्सेस ऑयल है वो हम निकाल सकें। तो देखिए कुछ इस तरह से। और अब हम इसको एक प्लेट में रख देंगे ठंडा होने के लिए, आप चाहे तो इसे फ्रीज में भी रख सकते हैं। और अब आएगा फाइनल स्टेप। तो यहाँ पे तेल बहुत ही गरम कर लें हम, देखिए कितना गरम है। और अब इसमें बारी बारी से ये डाल दें, मैंने इसको फ्रिज में तकरीबन 15 मिनट के लिए रखा था, ताकि ये ठंडा हो जाए। और ठंडा हो गया तो अब हम इसमें डायरेक्ट डाल देंगे। अब नॉन स्टार्ची का फायदा ये है कि इसका जो रंग है वो बिल्कुल भी ब्राउन नहीं होने वाला है, ये जलने वाला बिल्कुल भी नहीं है। तो इसको आप हाई फ्लेम पे 5 से 7 मिनट तक ऐसे ही पकाएंगे, जब तक कि ऊपर से पूरा क्रिस्पी ना हो जाए। और अगर आपको पता ना चल रहा हो तो आप इसमें से एक निकाल करके इसे तोड़ करके देख सकते हैं, एकदम बाहर जैसा बना होगा, एकदम बाहर जैसा भी नहीं, बाहर से भी अच्छा बना होगा। तो ये देखिए हमारा फ्रेंच फ्राइज बिल्कुल रेडी है 5 से 7 मिनट में। तो अब हम इसको स्ट्रेन करके इसका एक्सेस ऑयल निकाल लेंगे और अब हम इसको डालेंगे एक बाउल में। ये देखिए मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कितना क्रिस्पी बना है, देखिए। तो अब हम इस पे डालेंगे थोड़ा सा चाट मसाला और थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट।
इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। तो देखा ना आपने कि आप इसे घर पे कितनी अच्छी तरह से कितनी सफाई से इसे बना सकते हैं। बाहर मैगडी में हम सभी जानते हैं कि वो एक ही तेल में कई बार उसको फ्राई करते हैं, वो तेल कितना हार्मफुल हो जाता है हमारे लिए। और आपको क्या लगता है कि वो इतनी अच्छी तरह से प्रोसेस इतना अच्छा प्रोसेस अपना के बनाते होंगे? बिल्कुल भी नहीं। तो आप भी इसे घर पे बनाए, घर पे ही बाहर का आनंद लें, और ये मेरी मस्ट ट्राई रेसिपी है, तो आप इसे जरूर बनाएं, जरूर ट्राई करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।